हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले कैरेट साबूदाने की खीर। तो देखिए, देखने में कितना टैम्पटिंग लग रहा है और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी विंटर का टाइम है तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करता है, तो इस तरह से आप ये गाजर और साबूदाने की खीर बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। एकदम झटपट से बन करके तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है और खाने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम ये कैरेट साबूदाना की खीर बनाएंगे। तो ये हमने डेढ़ कप करीबन ये हमने कैरेट ले ली थी, इसको हमने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। और ये आधा कप ये हमने साबूदाना ले ली थी, इसको हमने 2 घंटे के लिए सोक कर लिए हैं। तो आप इसे पहले से सोक कर लीजिए ताकि साबूदाना भी आपको अच्छे से फूल भी जाए। तो ये साबूदाना भी अच्छे से फूल गया है। अब चलते हम गैस की तरफ। तो ये हमने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और इसी में डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना घी। तो बस ये घी को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसी में हम ये 10 काजू 10 बादाम लिए थे, इसको भी हम अच्छे से बस फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट को हम ये फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए काजू और बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको हम बिल्कुल आराम से इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे। तो ये सारे निकाल और इसी घी में हम ये जो हमने कैरेट को ग्रेट करके रखे हैं इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से हम ये भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक, जो कैरेट भी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए, क्योंकि घी में ही हम इसको अच्छे से भून ले रहे हैं। तो ये देखिए ये 4 से 5 मिनट हो गया, कैरेट भी आप देख सकते हैं बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गया, थोड़ा सा उसका कलर भी आप देखिए चेंज हो गया। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको साइड में रखती हूँ प्लेट में निकाल करके। अब मैं इस तरह का एक पैन ले ली हूँ और इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिए और हम ये साबूदाना जो हमने इस तरह से सोख करके रखे इसको हम डाल देते हैं और साबूदाना को हम अच्छे से पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक ये ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए तब तक इसको हमें पकाना है। तो 3-4 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है, बस एक बॉइल्ड आएगा उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए बस इसको पकाना है हमें। तो ये देखिए इसमें बॉइल भी आ रहा है, देखिए धीरे धीरे आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये। तो उसको हम ये 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से बस इसी तरह से इसको पका लेंगे। तो ये देखिए साबूदाना भी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसको हम फटाफट से स्ट्रेन करेंगे। अब ये देखिए ये हमने बाउल में इस तरह से स्ट्रेनर लगा लिए हैं और इसको हम ये छान लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी ये निकल जाए और इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। और अब मैं इसमें इस तरह से नॉर्मल पानी डाल करके इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ताकि इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाए और इसको हम अच्छे से इसका स्टार्च से सारा निकल गया इसमें देखिए। तो अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब हम वापस से वही वाला कढ़ाई लिए, इसको अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। इसमें मैं डालूंगी इस तरह से 1.5 लीटर मिल्क। अभी हम ये इस तरह से डालेंगे 1/2 लीटर करके। तो इसमें हमने 1.5 लीटर पूरा मिल्क का यूज़ करना है। तो इसी के साथ में इसमें हम डालते जाएंगे, तो बस ये पूरा मिल्क हम डाल देंगे। तो ये मिल्क हमने पहले से बॉयल किया हुआ ले रहे हैं, आप डायरेक्ट तो इस तरह से कच्चा वाला मिल्क भी ले सकते हैं। तो एक बार इसको मिल्क हमने ऑलरेडी बॉयल कर लिए थे तो इसमें आप देख सकते हैं मलाई भी है, तो मैं इसमें पूरा डाल दी हूँ। तो इसमें हम अच्छे से बॉयल आने देंगे और 5 मिनट तक, एक बॉयल के बाद इसको हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो ये देखिए मिल्क में भी बॉयल्ड आ गया है और मैं गैस का फ्लेम को मीडियम कर ली हूँ। मीडियम फ्लेम में इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा करेंगे, तो बस 4-5 मिनट ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इस मिल्क को हमने ऑलरेडी पहले ही बॉइल कर लिए थे। अगर आप कच्चा मिल्क ले रहे हैं तो उसको करीबन 7-8 मिनट तक ही इस तरह से पका लीजिए, थोड़ा सा ये मिल्क भी गाढ़ा हो जाए। तो ये आप देखिए ये 4 से 5 मिनट हो गया। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, तो इसमें मैं 3/4 कप ये शुगर ऐड करी हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ज़्यादा ही मीठा अच्छा नहीं लगता। अभी ये मिल्क भी थोड़ा गाढ़ा होगा तो इस तरह से मीठा भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा आपको कम लगे तो करीबन इसमें आप 2 से 3 चम्मच इसमें
और बढ़ा लीजिए, बट मेरा बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं एकदम मीडियम ही रख रही हूँ मीठा इसमें। तो बस शुगर डालने के बाद भी इसको बस इस तरह से हम हिला लेंगे तो जल्दी से शुगर भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो शुगर भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। अभी जो कैरेट को हमने इस तरह से घी में भून करके रखे थे इसको हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं और इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे इसी के साथ में ही। तो बस एक बार इस तरह से स्टर कर ले रहे हैं और इसको भी हम दूध के साथ में अच्छे से गाजर को पकने भी देंगे और इसे हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसको चलाते ही रहना। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से ये दूध में ये फटे ना, तो इसको हम लगातार चलाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट ये गाजर इस तरह से दूध में पकते हुए हो गया। अब इसी में हम ये जो हमने ये साबूदाने को इस तरह से छान करके रखे इसको भी हम इसी में ही डाल देंगे। ये भी साथ में अच्छे से पक जाए, ये वैसे भी पक चुका है, इसको हमने बॉईल किए थे तो ये पक चुका है, बस इसमें थोड़ा सा और अच्छे से ये दूध में ही अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो बस इसको भी हम डाल दे रहे हैं अच्छे से इसमें मिला लेंगे। थोड़ा सा ये जम गया है तो इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आप ये गाजर और साबूदाना की खीर एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अभी ठंड का टाइम है तो इस तरह से ठंड में कुछ गर्म गर्म मन करता है, तो एक बार आप ये गाजर और साबूदाना की खीर बना करके खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने इसको एक बार बना करके देखे तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में मैं इसका ये वीडियो शेयर करूँ। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है ये खीर। तो इसको बस हम सबसे चला ली हैं और धीरे धीरे इसको चलाते हुए हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तो बस हमें गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम में ही इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए पकते हुए करीबन ये 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच इलायची के पाउडर है और इसको भी हम इस तरह से चला लेंगे। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया ये हमारा गर्मा गर्म ये हमारा ये इस तरह से खीर बन करके तैयार होगा, गाजर और साबूदाने की खीर। बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स खाने में। और अब मैं इसमें थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखे थे इसको मैंने थोड़े से कट कर लिए, तो मैं थोड़े से इसमें डाल लेती हूँ और थोड़े से हम ये गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बस डाल दिए इसको, हम बस 2 मिनट ही और इसको कुक करेंगे, इससे ज़्यादा इसको हम गाढ़ा नहीं करेंगे। ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है, बस 2 मिनट इसको और हम पकाएंगे। तो ये आप देखिए ये 2 मिनट और हो गया है, तो हमारी खीर एकदम गर्मा गर्म हमारे रेडी हो गई है। मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा इस तरह से इसका जो भाप है वो निकल जाए, फिर हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसको इस तरह से बाउल में डालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी गर्मा गर्म ये हमारी गाजर और साबूदाने की खीर बन करके तैयार है। तो आप ये बना लीजिए आराम से पीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। तो भी ठंड का टाइम है तो कुछ गर्मा गर्म मन करता है, तो आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए ये हमने इस तरह से अपनी खीर निकाल ली है। मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्राई फ्रूट से इसको हल्का सा गार्निश कर देती हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने इसमें अंदर भी डाले हैं। और थोड़े से ये हम ये गाजर भी इस तरह से थोड़े से रखे थे इसको हल्का सा ऊपर से लगा ले रहे हैं ताकि देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और थोड़ा सा ये पिस्ता भी ऊपर से डाल ले रहे हैं गार्निशिंग के लिए। तो देखिए हमारा टेस्टी सा ये हमारा गाजर और साबूदाने की खीर बन करके तैयार है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अभी विंटर का टाइम है तो कुछ गर्मा गर्म इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों। वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।